कहानी सात परमेश्वर यकूब ने बरकत देवे है। जद बे बच्चा बड़ा होया तो यकूब ने घर पर रहनो अच्छो लग्यो, पर एसाव ने जानवरां को शिकार करनो भायो। रिवका यकूब सागे प्यार रखियो, पर इसहाक एसाव मुँह प्यार रख तो। एक दिन जद एसाव शिकार करके वापिस आयो तो वो बहुत भूखो हो। इसहाव यकूब ने कहो, जिको तू पकायो है बिंगा माऊ थोड़ा भोजन मन्ने दे। यकूब जवाब दियो, पहला मेरा सागे प्रतिज्ञा कर कि पहलोठो होण कारण हर एक चीज जो तन्ने मिलेगी वो सारो मन्ने देवेगो। एसाव सारी चीजा यकूब ने देण की प्रतिज्ञा कर दी। जद यकूब बिने कुछ भोजन दियो, इसहाक एसाव ने बरकत देनो चांत हो, पर इमू पहला बने इया करियो। रिबिका और यकूब ने एसाव होण गो ढोंग करगे बिंगे सागे दोखो करियो। इसहाक बुढ़ो हो और अब देख कोनी सके हो, ई खातिर यकूब इसहाक का कपड़ा गालगे और बकरी की खाल अपने गले और हाथा पर लपेट लियो। यकूब इसहाक के कन्ने आयो और कहो, मैं एसाव हूँ, मैं ई खातिर आयो हूँ कि तू मन्ने बरकत दे। जद इसहाक बकरी के बाला ने महसूस करियो और कपड़ा ने सूंघियो तो बने सोचो कि वो इसहाव है और बने बरकत दी। एसाव यकूब मुँह जलन करी के यकूब बिंगे पहला पुत्र गो अधिकार अर सागे बिंगी बरकत ने चोर लियो है। बने बिंगे पिता ने मरन के बाद यकूब ने मारन की योजना बनाई, पर रिबिका इसहाक की योजना ने सुन लियो। ई खातिर बने अर इसहाक यकूब ने बिंगे रिश्तेदार के सागे रहन खातिर बहुत दूर भेजो। यकूब कई साल तक रिबिका गए रिश्तेदार के सागे रहो। भी समय में बने ब्याह कर लियो और बारह पुत्र और एक पुत्री ने जन्मायो। परमेश्वर बने बहुत धनी बना दियो। 20 साल तक कनान देश में आप गए घर मुँह दूर रहने के बाद यकूब अपने परिवार अपने सेवकां और अपने जानवरां गए सारा झुंडा ने सागे लेके बैठे वापिस आयो। यकूब ई खातिर बहुत डरड़ो हो क्योंकि बने सोचो के एसाव अब भी बिने मारनो चावा हो। ई खातिर बिने उपहार रूप जानवरां का झुंडा ने एसाव कने भेजो, जिको सेवक भी झुंडा ने लेके गया हा। बे कहो, तेरो दास यकूब इन्हें जानवरां ने तन्ने देवे है, वो जल्दी ही आन लाग रहे है। पर एसाव अब यकूब ने नुकसान पहुंचाणो कोनी चांत हो, इंगे बावजूद वो बिने दोबारा देख के बहुत खुश हो। बिंगे बाद यकूब कनान देश में आराम मु रहो। फिर इसहाक मर गयो और यकूब और एसाव बिने मिट्टी दी वाचा की प्रतिज्ञा जिकी परमेश्वर अब्राम सागे करी ही, बे अब इसहाक मु यकूब पर आ गई।